प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यूएई में मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करने से मथुरा सहित समूचा ब्रजमंडल साधु संत जनमानस काफी प्रसन्न है। उनका कहना है कि इससे भारत का मान सम्मान बढ़ा है, इससे हिंदू मुस्लिमों में शांति एकता देश की अखंडता को बल मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यूएई में प्राण प्रतिष्ठा से दोनों देशों की मित्रता बढ़ने से व्यापार की भी उन्नति होगी। लोगों का कहना है कि हमारा यह सौभाग्य है कि पहले अयोध्या में भव्य राम मंदिर और अब अबू धाबी में हिंदू मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी बने हैं। जिस प्रकार से सभी देशों के साथ मैत्रीय भाव भारत का संबंध स्थापित हो रहा है, यह मित्रता का संबंध व्यापार के लिए वृद्धि कारक रहेगा। यह मैत्रीय संबंध सभी देशों को आगे बढ़ने का एक श्रेष्ठ अवसर है। अभी कुछ दिनों पहले ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की थी और अब बसंत के पावन पर्व पर उन्होंने 27 एकड़ में बने हुए भव्य व दिव्य मंदिर का उद्घाटन किया है। यह अद्भुत मंदिर प्रत्येक सभ्यता का इसमें समावेश है और यह सब संभव उस करिश्माई व्यक्तित्व की वजह से ही हो सका जिसे हम सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम से जानते हैं। प्रधानमंत्री ये श्री नरेंद्र मोदी जी ने दुबई की राजधानी अबू धाबी में स्वामी नारायण संस्था द्वारा स्थापित हिंदू मंदिर का लोकार्पण किया है। ये बहुत ही हर्ष की बात है और भारत के लिए गौरव की बात है। एक मुस्लिम देश में हिंदू मंदिर की स्थापना होना अपने आप में अनूठी बात है और यह विश्व के लिए हिंदू मुस्लिम एकता की पहचान है।